स्वागत है आपका डेली नौकरी के YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए काफी बड़ी अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। जी हाँ दोस्तों, IBPS ने क्लेरिकल एग्जाम 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है और इस बार 5800 वैकेंसीज जो हैं वो IBPS ने क्लेरिकल एग्जाम के लिए निकाले हैं। तो चलिए बात करते हैं जो IBPS ने एग्जाम निकाला है इसके बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट latestuvtjobs.in को भी जरूर चेक करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, काफ़ी अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज आ रही हैं। जैसे टोटल 5830 वैकेंसीज अगर IBPS ने निकाली हैं तो मैं आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज बताती हूं और यूनियन टेरिटरीज के अकॉर्डिंग। जैसे आप देख सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार के लिए 3, आंध्र प्रदेश के लिए 263, अरुणाचल प्रदेश के लिए 11, असम के लिए 156, बिहार के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं 252, 27 वैकेंसीज चंडीगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए 324। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं बाकी की स्टेट्स और यूटीज पे। छत्तीसगढ़ के लिए 89, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के लिए 2, दिल्ली के लिए 258, गोवा के लिए 58, गुजरात के लिए 357, हरियाणा के लिए 103 और 799 वैकेंसीज महाराष्ट्र के लिए। उसी तरह हिमाचल प्रदेश के लिए 102, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 25, झारखंड के लिए 78, कर्नाटक के लिए 407, केरला के लिए 141, लक्षद्वीप के लिए 5, मणिपुर के लिए 6। अभी मैं आगे आपको बाकी और स्टेट्स और यूटीज की भी बताती हूँ। मेघालय के लिए 9, मिजोरम के लिए 3, नागालैंड के लिए 9, उड़ीसा के लिए 229 और पुडुचेरी के लिए 3 वैकेंसीज हैं। पंजाब के लिए काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं, 352 वैकेंसीज IBPS ने क्लेरिकल एग्जाम 2021 में रखी है। राजस्थान के लिए 117, दोस्तों सिक्किम के लिए 27 वैकेंसीज हैं और अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के लिए 268, त्रिपुरा के लिए 8, उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज मुझे नजर आ रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं 661 वैकेंसीज जो हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए हैं, उत्तराखंड के लिए 49, वेस्ट बंगाल के लिए 366 और तेलंगाना के लिए 263 वैकेंसीज आ रही हैं। तो ये तो हुई डिटेल में वैकेंसीज की बात जो इस बार IBPS ने निकाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले मैं आपको एज लिमिट की बात बताऊंगी। सबसे पहले आप देख लीजिए, जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो है वो 28 ईयर्स है इस पे अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखिए, यदि आप भी इस एग्जाम में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये मैंडेटरी है कि आपने ग्रेजुएशन की हो किसी भी डिसिप्लिन में, बट किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर लिटरेसी, मतलब आपको कंप्यूटर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम्स का, मतलब आपके पास या तो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, लैंग्वेज, और आपने कंप्यूटर या फिर IT जो है आपका एक वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए हाई स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में। आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपकी प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी भी जरूरी है। मतलब अगर आप पंजाब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आपको पंजाबी पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लोगे, आपको पूरे भारत में तुरंत सभी टॉप सरकारी नौकरियों की अपडेट जो है वो मिल जाएगी। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा और जो लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्लियर कर लेंगे वो फिर मेन एग्जाम्स के लिए जाएंगे। और यहां पर मैं बता दूं, IBPS के क्लेरिकल एग्जाम के लिए कोई इंटरव्यू राउंड नहीं होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जल्दी से नजर डालते हैं इसकी एप्लीकेशन फी के ऊपर। यहाँ जो फी रहने वाली है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे जो SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उन्हें 175 रुपीज पे करने हैं और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं मतलब जर्नल कैटेगरी के उन्हें 850 रुपीज जमा करने हैं। अब मैं आगे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताती हूँ। मैंने सारी इंपॉर्टेंट डेट्स का इधर कैलेंडर बना लिया है। जैसे देखिए, जो स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 12 जुलाई 2021 है और जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फी है वो 1 अगस्त 2021 है। दोस्तों, जो कॉल लेटर डाउनलोड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट है वो मंथ अगस्त 2021 रहेगा। और अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की डेट देखें तो वो IBPS ने नोटिफिकेशन में दे रखी है कि जो प्रिलिम्स होगा वो 28 अगस्त, 29 अगस्त एंड 4 सितंबर को होगा और जो रिजल्ट आएगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम का वो सितंबर और अक्टूबर 2021 में। और अब बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन की। तो जो डाउनलोड कॉल लेटर्स फॉर मेन एग्जामिनेशन वो अक्टूबर 2021 रहेगा और आपकी जो मेन एग्जामिनेशन की डेट है वो 31 अक्टूबर 2021 रहने वाली है। अब बात करते हैं प्रोविजनल अलॉटमेंट की। तो यहाँ पे IBPS ने बता दिया है कि जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगी वो अप्रैल 2022 में होगी।
अब आप सोच रहे होंगे आपको कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। और अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक ढूंढ रहे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लेटेस्ट जीओवीटी jobs.in का फर्स्ट लिंक दे रखा है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे उधर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुई जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन, जी हाँ IBPS ने क्लेरिकल कैडरे की जो वैकेंसीज 5830 निकाली है उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर इन वैकेंसी से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट latestjovitijobs.in पे जाके चेक कर सकते हैं, उधर आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी मिल जाएगा। दोस्तों फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स और इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं।